I think it's tomato puree. Yes, it's tomato puree. फ्रेंड्स ये है स्पेगेटी और मैं इसको सुपरवाइज करूंगी और मैं वन बाय वन करके आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। चलें फ्रेंड्स आए, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको वन बाय वन करके बताती हूँ। ये चिकन है, इसको जूलियन शेप में कट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और ये अनियन है फुल चॉप्ड हुआ हुआ, और ये टमाटो की पेस्ट, ये गार्लिक और ये कैप्सिकम, इसको भी जूलियन शेप में कट किया हुआ है, और ये स्पेगेटीज। फ्रेंड्स ये देखें, ये स्पेगेटीज है, इसको हम फुल बॉईल कर चुके हैं, ये देखें नूडल्स की तरह। अब हम इसको पकाएंगे। ये देखें, ये हमने पैन स्टोव के ऊपर रख दिया और ये हमने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। फ्रेंड्स अब मामा इसमें ये अनियन ऐड कर रहे हैं, मम्मा कह रही हैं आप इसके पास ना आए। फिर अब मामा इसको स्टीर कर रहे हैं, ये आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अनियन डाला था, जब हमने इसको इतना फ्राई करना है, ये इसका ना कलर पिंकिश सा हो जाए। फ्रेंड ये देखिए अनियन फ्राई हो चुका है जितना हमें चाहिए था, और अब हम डालेंगे ये गार्लिक पेस्ट, ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करके और अब मम्मा इसमें चिकन डाल रही हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसकी फ्लेम हमने कम कर दे दी है इसकी आंच, और ये मम्मा ने इस पे लीड लगा दी है। ये अब फ्राई होगा चिकन, अभी हमने चिकन ही डाला और कुछ नहीं डाला, वो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करें। फ्रेंड्स अब हम इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे, ये देखें सॉस चिली फ्लेक्स वगैरह डालेंगे। अब मम्मा इसमें सॉल्ट डाल रही है और ये चिली फ्लेक्स, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और ये विनेगर, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। वन स्पून हम सॉस ऐड करेंगे केचप, और अब हम इसमें ब्लैक पेपर डाल रहे हैं, और अब हम इसको मिक्स करते हैं, मैं ही कर देती हूँ। जब हम इसको स्टीर करने के बाद मम्मा इसमें पेस्ट डाल देंगे टमाटो का, मिक्स करेंगे अब। मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि कब बनेगी और मैं कब इसको खाऊंगी, यम्मी। फ्रेंड्स ये टमाटो पेस्ट हमने डाली थी और हमने फिर इसको लीड लगा दिया। फ्रेंड्स अब हम इसको चेक कर लेते हैं, वाओ यम्मी। वाओ अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए लास्ट आइटम कैप्सिकम। अब ये जल्दी से डल जाए और मैं खाऊं। फ्रेंड्स मम्मा ने कहा हमने ना इसको स्पैगेटीज में ना हम ये ऑलिव्स भी डाल देते हैं। हमारे घर में सबको ऑलिव्स पसंद है तकरीबन, बस मुझे नहीं खास पसंद इतने। और ये ब्लैक ऑलिव्स, ये ग्रीन और ये मशरूम्स हम स्पैगेटीज में डालेंगे। फ्रेंड्स अब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है, बस ऑलिव्स रह गए हैं एज अ डेकोरेशन। तो अब हम इसको लीड हमने दे दिया है और अब ये इंतज़ार में कर रही हूँ ये जल्दी जल्दी से बन जाए। फ्रेंड्स ये देखें ये अब रेडी हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और इसके लिए डिश भी आ गई है। फ्रेंड्स अब ये स्पैगेटी इज रेडी टू ईट है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यम्मी। और इसमें एक लास्ट आइटम रह गया, वो है ऑलिव्स एंड मशरूम्स। फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी है। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और यहीं पे मैं वीडियो को एंड करूंगी, इसको तो मैं खाती रहूंगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।